व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेकर आया हूं आपकी लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट 3। बहुत से बच्चे मुझसे जिद कर रहे थे कि भाई सीरीज को कंटिन्यू कीजिए, तो हाँ मैं इसे ऑब्वियसली कंटिन्यू करूंगा गाइस। पूरे के जितने क्वेश्चंस मैं करा सकता हूं, रीजनिंग में जितना कुछ भी आ सकता है लगभग सब कुछ मैं करा दूंगा, एक चैप्टर छोड़ के जो कि आपको रीजन बताऊंगा मैं वो क्यों नहीं करा रहा हूं। बच्चे कमेंट करते भाई वो कराओ, वो क्यों नहीं मैं करा रहा हूं उसका रीजन मैं बताऊंगा। बट हाँ, ये पार्ट 3 है गाइस। जो भी बंदा चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा, एक बार जरूर जाकर प्ले लिस्ट सेक्शन चेक कीजिए, वहां पर बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियो की प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, जरूर उसको चेक कर लीजिएगा। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना गाइस, ये बिकम अ मेंबर वाली बात, इसको बड़े ध्यान से देखिए, बिकॉज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो आपको खास तौर से जनरल टेस्ट के लिए, रीजनिंग, क्वांस, इंग्लिश वगैरह सबके लिए पीवाईक्यू से मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। देखो मैं जामिया के पीवाईक्यू करा रहा हूं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सब बच्चों को पीवाईक्यू करा रहा हूं। तो देखो जो भी सीवीटी वाले जनरल टेस्ट वाले बच्चे हैं उन्होंने पीवाईक्यू को जरूर करना चाहिए, बिकॉज जामिया में जो जनरल टेस्ट आता है ना उसका लेवल सीवीटी से हल्का सा टफ ही होता है, तो वो अगर आप करते हो तो आपका जनरल टेस्ट आराम से हो जाएगा सीवीटी वाला भी, ठीक है। तो जरूर जरूर जाकर मेंबरशिप लेना गाइस, इट्स जस्ट 199 रुपीस, अभी बहुत सस्ती चल रही है। इस मंथ के बाद जब जामिया एंट्रेंस खत्म हो जाएगी तो सीवीटी के टाइम पे थोड़ी सी कॉस्ट, बिकॉज़ हाँ सीवीटी टाइम पे सब लोग 2,000 के मॉक टेस्ट बेच रहे थे, तो शायद मेरा वाला भी 499 का मिलने लग जाए। तो अभी जाकर मेंबरशिप ले लो ताकि आप लोग सारे पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट कर पाओ, मिस मत करना। सिर्फ 199 रुपीस में आपको बेस्ट पीवाईक्यूज मिलेंगे, और मैंने लास्ट 5 साल के पेपर को एनालाइज करके जोड़ के मॉक टेस्ट बनाया है, जैसे कि मैं आपको बता सकूं कि जी हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जो आना ही आना है पेपर में, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। डोंट वरी गाइस, आपको सब कुछ कवर कराऊंगा, फ्री मटेरियल भी चल रहे हैं और वहां थोड़ा बहुत मेंबरशिप के थ्रू भी चलने वाला है। और आज पहला पीवाईक्यू डल गया जामिया वालों, जाओ मेंबरशिप आप तो ले ही लो, पेपर आपका उसके बाहर नहीं आएगा, जामिया वालों जरूर ले लेना अपना ये मेंबरशिप, क्योंकि 199 की मेंबरशिप आपको लाखों रुपए बचा सकता है प्राइवेट कॉलेज में जाने के। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। ये मैं हर बार नए नए चैप्टर्स कराता हूं, लगभग सारे ही चैप्टर में कवर कर दूं आपके, किसके, रीजनिंग के, रीजनिंग के, ओके चलो। क्या लिखा है, इन्हें मीनिंगफुल सीक्वेंस में बताना, मतलब पहले क्या आएगा, वर्ड, सेंटेंस, फ्रेज, पैराग्राफ, लेटर। सबसे पहले तो लेटर लेटर होंगे, लेटर मतलब ABCD, उनका यूज करके क्या बनेगा बच्चों, फिर वर्ड बनेगा, है ना। फिर वर्ड का यूज करके फ्रेजेस बनेंगे, फिर बहुत से फ्रेजेस का यूज करके सेंटेंस बनता है, फिर सेंटेंस का यूज करके पैराग्राफ बनता है, यानी 4-1-3-5-3-2 4-1-5-3-2। तो या दिस इज द आंसर, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। सेम क्वेश्चन है, देखते क्या है भैया, यहां पर लिखा हुआ है क्राइम है, पुलिस है, पनिशमेंट है, जज है, जजमेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो क्राइम होना चाहिए, बवाल ही शुरू नहीं हुआ तो कैसे पुलिस आएगी, पहले क्राइम होगा फिर पुलिस आएगी, पुलिस लेके जाएगी जज के पास कि चलो भैया जज के पास, जज बताएंगे अब क्या करना है, फिर जज साहब देंगे अपनी जजमेंट, जो जजमेंट आएगी उसी के हिसाब से दी जाएगी पनिशमेंट, यानी पहले 3 फिर 1 फिर 4 फिर 5 फिर 2, यानी कौन सा है, 3 1 फिर 4 फिर 5 फिर 2, यही ना, 3 1 4 5 2, डी होगा इसका आंसर, चेक करें, जी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालॉजी, पेन इंक से चलता है, रिलेशन क्या है, पेन चलता है इंक से, तो पेंसिल किससे चलती है, पेंसिल के अंदर क्या होता है, वो ब्लैक कलर का, दैट इज लेड, सबको ये बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्क लाइट, यानी डार्क का उल्टा क्या होता है भाई, अंधेरे का उल्टा रोशनी, डार्क का उल्टा लाइट, तो ब्लैक का उल्टा व्हाइट, कदम सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, देखो बच्चों मैंने नंबर सीरीज में अब तक सिर्फ प्लस के क्वेश्चन रखे थे, बट मुझे आपको टफ वाले प्रैक्टिस कराने, तो हर बार रिलेशन प्लस में नहीं मिलेगा, देखो कैसे, क्या रिलेशन है यहां पर, देखो 2, 4, 12, 48 और 240 है, आपको अगला ढूंढना है ना, आपको ढूंढना है नेक्स्ट वाला। तो 2 से 4 में गैप है 2 का, 4 से 12 में गैप है 8 का, 12 से 48 में गैप है 36 का, इसमें गैप कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जाता है, तो इनका ऐसा रिलेशन ढूंढना इज नॉट इजी। अब भैया क्या रिलेशन है इनके बीच में, सिंपल दिखाऊं क्या रिलेशन है, मक्खन की तरह कर जाओगे अगर ये वाला एस्पेक्ट भी ध्यान रखा तो, क्या है बताता हूं, 48-240 द रिलेशन इज बच्चो 2 × 2 क्या होता है 4 होता है, 4 × 3 क्या होता है 12 होता है, 12 × 4 का होता है 48 होता है, 48 × 5 का होता है 240 होता है, तो 240 × 6 निकाल लो, बस खत्म। यहां पर इंटू की सीरीज चल रही है बच्चों, नंबर सीरीज में अगर आपने बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो आप टफ आपके लिए हो जाएगा। इसके साथ साथ बच्चों पीवाईक्यू भी बनाना जरूरी है, बिकॉज आपको पता होना चाहिए पेपर में कैसा आता है, तो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहा हूं, पेपर में कैसे आता है, प्लस जो मैं मॉक टेस्ट कराऊंगा, तो जरूर जाकर बिकम अ मेंबर ऑफ आर चैनल एंड आई वेलकम यू टू द एचओए फैमिली एंड इंक्रीज योर चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू अ ड्रीम कॉलेज। तो जरूर 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 जाके पीआईक्यूज एंड ऑल बनाना, मॉक टेस्ट भी जरूर बनाना, ठीक है। तो अब क्या होगा, 240 × 6 करना होगा, दैट इज आपका 1440।
अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस. ठीक है, देखो क्या सीक्वेंस है. पहला है फैमिली लिखा हुआ है, मेंबर लिखा हुआ है, लोकैलिटी लिखा हुआ है, कम्युनिटी लिखा हुआ है, कंट्री लिखा हुआ है. सबसे पहले तो बेटा मेंबर होने चाहिए. मेंबर्स सारे फैमिली के मेंबर्स होंगे ना, उन सबसे मिलके बनेगी एक फैमिली. फिर हमारे ही सिमिलर टाइप की फैमिलीज क्या होती है, हमारी कम्युनिटी होती है ना. और हमारी जो कम्युनिटी है वो जहां भी कहीं रह रही हो, सब यहाँ हम लोग जहां भी रह रहे हो, सब लोग मिलकर रह रहे हो, वो बनती है हमारी लोकैलिटी. ये हमारा लोकैलिटी भाई, हम वहां के रहने वाले, हमारी पूरी कम्युनिटी वहां रहती है, हमारी लोकैलिटी हमारी कंट्री में ही आएगी. यानी पहला है आपका मेंबर्स, यानी पहला है हमारा मेंबर, दैट इज आपका थ्री. फिर आपका मेंबर्स से बनता है फैमिली वन, फिर आपका उनसे बनती है कम्युनिटी टू, उससे बनता है आपका लोकैलिटी चार, आपका पांच. 3, 1, 2, 4, 5 यही आंसर. जी यही आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन टीचर से रिलेटेड है. इसका मतलब क्या रिलेशन निकल रहा है बच्चों बताओ. टीचर एजुकेशन देता है ना आपको, सीधी सी बात है. ट्रीटमेंट कौन करता है, डॉक्टर करता है. मक्खन क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजीज पैथोलॉजी से जुड़ी है. ये आते हैं क्वेश्चन 100%. डिजीज की जो स्टडी होती है उसे कहते हैं पैथोलॉजी. तो प्लैनेट की स्टडी को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी याद रखना, यही गलत हुआ. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भैया. एक साथ पांच नंबर एक खा जाएगा अगर ये गलत हुआ. आप और मैं मिलके मेहनत करेंगे अभी इस पूरे पांच नंबर को पाने की कोशिश करेंगे. ध्यान देना सब लोग क्या क्या लिखा हुआ है. क्या लिखा है पहले तो आगे लिखते हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ. ठीक है, ये छह मेंबर है फैमिली के. ठीक है, तीन मेल है. क्या रिलेशन है भैया पहला, कि आउट ऑफ दिस थ्री आर व्हाट, मेल्स. ठीक है भैया, तो बात समझ में आ गई. There are two married couples. अच्छा, एक और रिलेशन ने बताया कि दो लोग इसमें मैरिड हैं. दो लोग क्या है, मैरिड कपल्स हैं. ओके भैया, ये भी आपकी बात समझ में आ गई. सी इज द फादर ऑफ ए. अब बनाते हैं चार्ट. सी जो है वो ए का फादर है, ए एंड एफ, सॉरी हाँ, तो एफ का भी फादर है. सी इज द फादर ऑफ ए एंड एफ. ठीक है, एंड ई इज द मदर ऑफ सी. अब सी की माँ कौन है, सी की माँ है ई. रुको एक बार मैं ढंग से बनाता हूँ, थोड़ा जगह अच्छे से लेके प्रॉपर आपको समझ में आना चाहिए ना. यही क्वेश्चन जो है आते हैं हर टेस्ट में, सीयूटी के जनरल टेस्ट में भी जरूर आएगा. पांच नंबर एक साथ ले जाएगा, अगर आपसे एक भी गलती हुई आप किसी का भी आंसर नहीं कर पाओगे. क्या दिया था पहले बच्चों, या आ जाओ, क्या बोला था, सी जो है वो बाप है किसका, किसका, ए और एफ का बाप है वो. ठीक है, ये बात समझ में आई भैया हमको. और ई इज द मदर ऑफ सी, यानी इसकी भी माँ कौन है, ई है. ठीक है बच्चों, ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ बी. अच्छा, ए जो है वो ग्रैंड डॉटर है किसका, बी का. ए किसकी ग्रैंड डॉटर है, बी की. बच्चों इससे एक बात पता चली कि ई जो था, ई क्या है, मदर ऑफ सी है, यानी ये फीमेल हो गई, ये फीमेल है ना. और सी का बच्चा है ए, यानी ई और ए कैसे जुड़े हैं कि ये इसका इसका ग्रैंड चाइल्ड है ना, लेकिन ये दादी जी हैं. और यहां पर ये भी गिवन है कि ए के जो दादाजी हैं वो बी हैं, मतलब ये भी इसके ग्रैंड चाइल्ड है, तो ये दादाजी हो गए, ये मेल है. तो E और B का आपस का रिलेशन क्या हुआ, ये हस्बैंड वाइफ हो गए. यानी ये मैरिड कपल एक मिल गया हमें, एक मैरिड कपल हमने ढूंढ लिया, दो मैरिड कपल में से क्या एक क्या है, E और B इज अ मैरिड कपल. ये बात पता चली, देखा हमने कैसे पकड़ा, पूरा चार्ट से पकड़ लिया हमने कि भैया E का बच्चा C है, C के दोनों बच्चे हैं, तो ऑब्वियसली E जो है दादी जी हो गई. अब गिवन है कि A के दादाजी B हैं, मतलब ये दादा दादी हैं, हमने E B को पकड़ लिया. ठीक है, हाउ इज B रिलेटेड टू F, पहला क्वेश्चन पे आ जाओ. हाउ इज B रिलेटेड टू F, B का है, B ये रहा, F से कैसे जुड़ा है. अब भैया बी अगर ए का दादा है तो एफ का भी दादा होगा ना, तो भाई भाई हैं दोनों, तो क्या हुआ, ग्रैंडफादर हो गए. इसका आंसर बी होगा, वेरी गुड. हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए, एफ कैसे रिलेटेड है ए से. मक्खन क्वेश्चन दिख रहा है सामने सामने, यार भाई भाई लोग हैं, ब्रदर्स हैं, ब्रदर्स हैं. अच्छा एक मिनट बाबू, ए क्या है, क्या क्वेश्चन में गिवन है, ए ए जो है क्वेश्चन में क्या, ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ बी, ग्रैंड डॉटर है, यानी ए तो लड़की हुई ना बाबू, फिर ए तो फिर लड़की हुई है ना. और अगर ये लड़की है तो ये इसका रिलेशन ब्रदर्स का नहीं, सिस्टर्स का रिलेशन हो गया. सिस्टर्स का रिलेशन क्यों सारा भाई, आपने कैसे अज्यूम कर लिया ये भी लड़की होगी, क्योंकि देखो रिलेशन में ये तो दिया नहीं ब्रदर सिस्टर, या तो दोनों ब्रदर हो सकते हैं, दोनों सिस्टर हो सकते हैं, तो ये दोनों सिस्टर होंगे, क्योंकि एक सिस्टर हम पक्का हो गया. दूसरी बात, सी जो है वो पापा जी है, एक मेल ये रहा, बी भी एक मेल हो गया है ना, दो मेल हमने पकड़ लिए हैं. अब हमें तीन फीमेल्स ढूंढनी है ना, तो हमें और डी का कोरिलेशन दिया हुआ नहीं है, डी का कोरिलेशन दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिस्टर टिक करके आएंगे. ठीक है, इसका आंसर हुआ सिस्टर. कैसे हुआ, आप लोगों को वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, इसे दो तीन बार सुनना, और नहीं समझ आएगा तो पीवाईक्यूज में भी इस तरह क्वेश्चन आया, मैंने वहां भी कराया, आप जाके वहां पर मेंबर्स पे देख सकते हो. नेक्स्ट देखो क्या है, द मैरिड कपल इज, भैया मैरिड कपल में लगा, पकड़ के दिखाया था कौन है मैरिड कपल, मैरिड कपल कौन है,
ई और बी, दादा दादी, है ना। हु इज द हस्बैंड ऑफ ई, हस्बैंड कौन है, एफ ई का बी है, वेरी बहुत ही मक्खन है। मैंने एक बार आपको पूरा चार्ट सॉल्व करा दिया ना बच्चों, फिर आपके लिए मक्खन है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ मेल मेंबर्स, अब मेल ढूंढो, देखो एक तो पता है सी मेल है और एक बी मेल है, ढूंढो सी और बी साथ में कहां आते हैं, ये रहे सी और बी, ये रहे ना आपके सी और बी वाला, समझ गए, डी इसका आंसर होगा। आंसर चेक कर ले बच्चों, ये देख लो ये आपके आंसर, समझ में आ गया सबको कैसे हमने पकड़ा। ये ब्रदर्स इज रॉन्ग भाई, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, हाँ सही कह रहे थे, ये बात ठीक है। हाँ बच्चों ये देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन गलत हो गया हमारा, कौन सा गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, मैंने सिस्टर लगा दिया। ए जो है वो तो लड़की है, ठीक है, ए जो है वो लड़की है, ठीक है, ए लड़की है, ये सिस्टर है, ग्रैंड डॉटर है, बट एफ का जो है हमें रिलेशन नहीं पता था, एफ का जो रिलेशन है हमें नहीं पता था, तो हम एफ जो है उसे ब्रदर लगाएंगे। क्यों ब्रदर लगा रहे भैया, बिकॉज डी का रिलेशन हमें नहीं पता है ना, और हमने एंड में देखा, हमने आखिरी क्वेश्चन बाकी चीज को पकड़ा कैसे, कि जो बी और सी है ना वो एफ के साथ दिए हुए, मतलब मेल मेंबर्स बी सी और एफ है। देखो आखिरी क्वेश्चन ने इसका आंसर हमारा क्लियर कराया, हमने पहले गलती कर दी थी, हमने पहले सिस्टर डाल दिया था, लेकिन नहीं ब्रदर होगा, एफ इसका ब्रदर है। क्यों, आखिरी क्वेश्चन में पढ़ो, बी सी और एफ मेल मेंबर्स है, बिकॉज बी सी तो मेल ब्रदर्स है ही, हमें पता है एफ इनमें जुड़ा हुआ है, मतलब एफ इज अ मेल मेंबर। अब एफ क्योंकि मेल है तो वो ए का ब्रदर हुआ ना, ब्रदर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था बच्चों, इसको करना अच्छे से ध्यान से रख के जरा बना के, ऐसे और क्वेश्चन चाहिए तो मैं दे दूंगा। जिन बच्चों को बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की कमी पड़ रही हो, आप अगर मेंबरशिप लोगे तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वहां दूंगा, और वहां पर आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। मेंबर्स को यही एक एडवांटेज है कि उन्हें पीडीएफ भी मिलने वाली है, तो पीडीएफ भी चाहिए अगर आपको, एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए प्रॉपर, मेरी तरह से हिंट भी चाहिए तो आप वहां पर आ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउस अगर वॉल से बना है, हाउस जो है अगर वो वॉल से बना है तो बच्चों ब्रिक्स से क्या बनता है, अरे यार ब्रिक्स, अरे ब्रिक्स से बनता है वॉल, ब्रिक्स से बनता है वॉल, वॉल से बनता है हाउस, सिंपल। अरेंज द फॉलोइंग अगेन, ओके, क्या है, की है, डोर है, लॉक है, रूम है, स्विच ऑन है। पहले की लाओगे, उससे लॉक खोलोगे, लॉक खोलोगे डोर खुलेगा, डोर खुलेगा रूम खुलेगा, रूम खुलेगा स्विच ऑन करोगे लाइट, है ना। तो 13245 13245 ढूंढ लो, सी इज द करेक्ट आंसर, मक्खन था। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये क्वेश्चन थोड़े से इजी है, अभी नंबर सीरीज का टफ क्वेश्चन आएंगे तब देखते हैं कि हम लोग क्या स्पीड मेंटेन कर पाएंगे या नहीं। पॉवर्टी, पॉपुलेशन, डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट, डिजीज, अरे वाह वाह, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट और डिजीज, कितनी सारी चीजें आ गई बच्चों देखो। तो हमें इसमें ध्यान क्या रखना है, एक मिनट, सॉरी, तो यार सबसे पहले तो हमारी पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन सबसे पहले तो बवाल हो गया। दूसरा, पॉपुलेशन बहुत है तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है इस वजह से पॉवर्टी है, पॉवर्टी है तो गरीबी है तो बीमारी है, बीमारी आएगा तो लोग मरेंगे, समझ लो कैसे रिलेशन पकड़ना। ये टफ क्वेश्चन था, ये टफ क्वेश्चन था यार, गलती से मैंने आंसर पहले दिखा दिया, क्लिक हो गया, वरना आधे तो पकड़ लिया होगा। तो देखो क्या, सबसे पहले तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है हमारी, उसी वजह से हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है, वो भी एक बड़ा कारण है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है तो पॉवर्टी बहुत है, है ना, तो पॉवर्टी बहुत है, पॉपुलेशन ज्यादा है तो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी, पॉवर्टी है तो भैया डिजीज आएगी, डिजीज आएगी आएगी। अब क्योंकि डिजीज आ गई, डिजीज आ गई तो भैया मौत भी आ सकती है, डेथ भी तो आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चले ये आ गए क्वेश्चन अच्छे वाले। क्या सिखाया था मैंने कि आज मैंने प्लस की सीरीज नहीं रखी है, तो यहां देखो क्या सीरीज कैसे पकड़ते हैं भैया, 4 3 12 है ना, 12 2 24 भैया, यहां तो 3 × हुआ था, यहां 2 × हो गया, यहां तो 2 रहा, यहां 3 हुआ था, आगे देख लेते हैं बच्चों। 24 3 72 फिर 3 × हो गया, 72 2 54 मतलब पहले 3 × हुआ फिर 2 × हुआ, क्या रिलेशन बच्चों, यहां देखो ध्यान से देखो अच्छे से कराता हूं, देखो 4 है, 12 है, 24 है, 72 है, 144 है, और पहला आपको निकालना है, इसमें क्या हुआ 3 × हो गया, इसमें क्या हुआ 2 × हो गया, इसमें फिर 3 × हो गया, फिर 2 × हो गया, मतलब 2 3 2 3 चल रहा है। तो अगर ये 2 था, ये 3 था, ये 2 था, ये 3 था, तो ये फिर से 2 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 × होना चाहिए, तो किसको 2 × करने से 4 आता है, 2 2 4 यानी 2 इज द आंसर, समझ गए। मल्टीप्लाई वाली सीरीज मैंने पकड़ के लाया हूं, ढूंढ के लाया हूं। अगला सीरीज देखते भैया क्या है, यहां दिया है 1 5 10 16 23 31 अगला बताओ, देखते भैया गैप कितने का, 1 के बाद 2 3 और 4 तीन को छोड़ के 5 आता है ना, 5 के बाद 6 7 8 9 चार को छोड़ के 10 आता है, 4 प्लस नहीं किया, 4 को छोड़ के 10 आया, फिर 10 के बाद 11 12 13 14 15 5 को छोड़ के 16 आता है, फिर 16 के बाद 6 को छोड़ के 23 आता है, फिर 23 के बाद 7 को छोड़ के 31 आता है, अब 31 के बाद 8 छोड़ो तो क्या आएगा 32 33 34 35 36 37 38 39 ये 8 को छोड़ दो तो क्या आएगा 40 आएगा, 40 इज द करेक्ट आंसर, 8 को छोड़ के उसका अगला लेना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 9 6 11 7 क्या गिवन है, 5 9
6, 11 और 7। अब भैया क्या रिलेशन है, तो बड़ा अजीब लग रहा है देखने में, कोई रिलेशन ही नहीं है बच्चों। इतने अजीब क्वेश्चन में जब बढ़ घट रहा हो, बढ़ घट रहा हो, तो अल्टरनेट पकड़ते हैं, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, खत्म कहानी, इनका रिलेशन पकड़ लिया। अगर पूछा होता ये वाला, वैसे तो ये पूछा तो क्या होता, 8 हो जाता, ठीक है, लेकिन पूछा क्या, ये हो गया 9, 10, 11, एक दो छोड़ के ना, 10 के बाद 11, तो यहाँ पे 12 छोड़ के 13, समझ गया रिलेशन क्या, अल्टरनेट का रिलेशन ये है, यहाँ 2 छोड़ने, यहाँ पर कंजिक्यूटिव था, तो यहाँ पे 9, 10, 11, ये इसमें क्या होगा, 9, 10, 11 फिर 12, 13, तो 13 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4, 16, 36, 64 और 100। बच्चों देखो, 4, 16, 36, 64 और 100, एक बार बताओ, 4 के 2 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, यानी जो स्क्वायर्स में चल रहा है तो समझ में आया, लेकिन एक एक छोड़ के आ रहा है, तो अगला 12 का स्क्वायर होना चाहिए। अरे यार, तो अगला 12 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी इसकी वैल्यू 144 आनी चाहिए। सबको समझ में आई ये बात, क्लियर हुई कि नहीं हुई, सिंपल क्वेश्चन था। जहां आपको मैंने बोला ना, रीजनिंग की सीरीज पढ़ाने से पहले मैंने सबको स्टार्टिंग में बोल दिया था कि हर बच्चे को 1 से लेके 15 तक स्क्वायर्स, 1 से लेके 15 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए, और 1 से लेके 6 तक क्यूब्स याद होने चाहिए, तभी आप खड़ा खट पकड़ के क्वेश्चन को निपटा पाओगे, एकदम निचोड़ के फेंक पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खत्म सीरीज, सीरीज वाज वेरी सिंपल। और जी हाँ, हमने आज भी अपने 20 से 25 क्वेश्चन अराउंड कर लिए, आज जल्दी इसलिए बिकॉज एक क्वेश्चन 5 वाला था, वो एक साथ ही हो गया, तो हाँ आज भी 22-23 क्वेश्चन तो रहे होंगे, चलो 20 भी रहे होंगे, कोई बात नहीं, ऐसे ही करके इंपॉर्टेंट पॉइंट ढूंढ के मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ, आपके लाता रहूंगा। अगर बच्चों पीआईक्यू और मॉक चाहिए तो मेंबरशिप जरूर लेना, आओ वहां पर मिलकर बात करते हैं, अच्छे सेशन रखेंगे, कमेंट्स में बात करेंगे प्रॉपर, आपको वहां पर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल सकता है, तो आपको सारी गाइडेंस वहां मिल जाएगी, अबव दैट मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर्स भी मिल रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, इट्स जस्ट 199 रुपीस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करके जाना, और चैनल को देखते रहिएगा, विजिट करते रहिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। ओके गाइस, जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और प्रिपरेशंस करते रहना, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, बाय बाय।